हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106। ये क्वेश्चन मैंने लिया है इशू ऑफ शेयर से। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा टीएस ग्रेवाल 24-25 एडिशन से, पेज नंबर 8.139 पर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 106। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक्स वाई जेड लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर है, एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। ठीक है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 75,000 शेयर्स, 75,000 शेयर्स ऑन प्रोरेटा अलॉटमेंट, एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड एज एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स वर अलॉटेड 30,000 शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस, एप्लीकेंट्स फॉर 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। यहाँ पे प्रोरेटा हो रहा है। ठीक है, अब देखो रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। रामू को 1200 शेयर्स अलॉट किए थे, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया रामू, तो हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीजिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। नाउ शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 35,000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं दिया शामू ने, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर रीशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। द रीशूड शेयर इंक्लूडेड द फोरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू, सारे शामू के शेयर्स इंक्लूडेड थे रीइशू के समय। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है गाइज, और प्रोरेटा अलॉटमेंट का केस है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोरेटा अलॉटमेंट देख लेते हैं कैसे कैसे किया गया है। ₹3 एप्लीकेशन पे मंगवाए और 40,000 शेयर्स वालों को 30,000 शेयर्स दिए, और 35,000 जो शेयर्स हैं 35,000 शेयर्स वालों को 20,000 शेयर्स दिए। ठीक है, 40,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज 35,000 एंड 20,000, ये अलॉटमेंट का रेशियो है। ठीक है, इस तरह से अलॉट किया गया। और सबसे पहले हम यहाँ पे रेशियो भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में हमारा रेशियो है 4:3, और सेकंड कैटेगरी में 35, 5, 7 = 35 एंड 7:4। ये दोनों के रेशियोज भी निकाल लिए, दोनों कैटेगरीज के। ये रेशियोज बाद में काम आएंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रेशियो है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ₹3 मंगवाया हमने, तो 40,000 इनटू ₹3 दैट इज 1,20,000, दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 35 इनटू ₹3 दैट इज 1,05,000। सो जो टोटल मनी आया है वो है हमारे पास 2,25,000, दिस इज टोटल मनी रिसीव्ड। अब कैपिटल में ट्रांसफर किया ₹3 के हिसाब से, अलॉटमेंट कितना है 30,000 इंटू 3 90,000, एंड 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000। सो द टोटल अलॉटमेंट इज 1,50,000, दिस इज टोटल अलॉटमेंट। एक्सेस मनी, अब एक्सेस कितना, देखो 120 रिसीव हुआ और 90 अलॉटमेंट कैपिटल में गया। ठीक है, तो एक्सेस मनी इज 30,000। ठीक है, एंड हेयर एक्सेस मनी इज 1,05,000 माइनस 60, दैट इज 45,000। सो द टोटल मनी इज, एक्सेस मनी इज 75। दिस मनी विल गेट ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, इसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, और ये अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा 75,000। ठीक है, ये अलॉटमेंट मनी पहले से आ गया हमारे पास। नो, अब हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन की। ठीक है, सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ₹2,25,000, 2,25,000, दिस इज शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ अब हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,25,000 टू शेयर कैपिटल में गया 150, दैट इज 1,50,000, दैट इज 50,000 इन टू ₹3, 1,50,000, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी गया 75,000 अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
दिस वुड बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 1,50,000 फॉर कैपिटल एंड 75,000 विल बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू, ड्यू कर दिया मतलब हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया हमारा शेयर एप्लीकेशन का पार्ट। अब हमें शेयर अलॉटमेंट देखना है, देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए, 50,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं हमने, ठीक है 4 रुपीज़ पर शेयर पे आना चाहिए, तो टोटल अलॉटमेंट मनी की अगर कैलकुलेशन देखें हम, तो अलॉटमेंट आना चाहिए हमारे पास 50,000 इंटू 4 रुपीज़, दैट इज़ वी रिक्वायर 2 लाख रुपीज़ फॉर अलॉटमेंट, दिस इज टोटलिटी अमाउंट, टोटल हमें चाहिए 2 लाख रुपीज़, ठीक है गाइज ये हो गया हमारे पास 2 लाख रुपीज़। अब हमें रामू के जो शेयर्स हैं, हमें बोला है रामू टू होम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं यार रामी, और रामू को हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए थे, तो देखो 4:3 वाली कैटेगरी में रामू, तो रामू की अलग से कैलकुलेशन, ये जो है अलॉटमेंट की टोटलिटी कैलकुलेशन, हम टोटल लेवल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी, और ये है रामू की इंडिविजुअल कैलकुलेशन। तो देखो रामू को 1200 शेयर्स अलॉट किए गए थे, ठीक है अलॉटमेंट है अलॉटेड, और इनका जो रेशियो है वो है 4:3 का एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो हम लोग क्या करेंगे अलॉटेड शेयर्स से अलॉटमेंट को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे और अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट अप्लाइड मनी, ठीक है तो 1600 शेयर्स अप्लाइड वुड बी 1600, ये आ गया शेयर्स अप्लाइड, इससे हमें एक्सेस पैसा पता लग जाएगा कितना एक्सेस पैसा आया। अब देखो 1600 इंटू एप्लीकेशन पे आए थे 3 रुपीज़, मतलब 4800 एक्सेस आए, और इसमें से हमने उसको अप्लाई किए, उसको अलॉट किए थे हमने 1200, तो 1200 इंटू 3 3600, ठीक है ये हो गया अलॉटमेंट कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 3600। अब जो एक्सेस मनी है वो है 1200, ये एक्सेस मनी कहाँ पर ट्रांसफर हुआ, ये एक्सेस मनी ट्रांसफर हुआ है अलॉटमेंट पे, ठीक नाउ अब अलॉटमेंट पे कितना रिक्वायर्ड है ये भी देख लेते हैं, अलॉटमेंट पे 1200 शेयर्स हमने अलॉट किए इंटू 4 रुपीज़ रिक्वायरमेंट है, मतलब 4800 का रिक्वायरमेंट है, ठीक है लेस एक्सेस, एक्सेस आया है 1200 एक्सेस है, मतलब 3600 इसका अमाउंट ड्यू है, दिस इज़ द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है तो रामू ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, कितना 3600 नहीं आया रामू का। अब हम क्या करते हैं अलॉटमेंट की टोटल देखते हैं, 2 लाख रुपए आने चाहिए, 2 लाख में से पहले से आ चुका एक्सेस अमाउंट 75,000, ये एक्सेस अमाउंट पहले से आ चुका है, तो अब हमें रिसीव होना चाहिए 1,25,000, 1,25,000 में से रामू का अमाउंट नहीं आया, तो रामूज अमाउंट ड्यू है, ठीक है रामूज ड्यू दैट इज 3600, दिस इज द अमाउंट ड्यू बाय रामू, तो 1,25,000 माइनस 3600 इट वुड बी 1,21,400, 1,21,400 ये अमाउंट है जो हमें रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पे। अब सबसे पहले हम अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट वुड बी 2 लाख रुपीज, 50,000 शेयर्स इनटू 4 रुपीज, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 50,000 इंटू 4 रुपीज़, ठीक है अब इसमें से रामू का अमाउंट नहीं आया तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा आया है उतना ही डेबिट करते हैं, हमें मिला है 1,21,400, दिस इज अमाउंट रिसीव, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,400 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,21,400 नाउ बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है ये हमारा अमाउंट रिसीव हुआ है तो रिसीव कर दिया हमने। अब हमें रामू के शेयर्स को फोरफिट करना है, हमें क्या बोला है? देखो हमें बोला है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीजिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद हमने उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया, ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे अब रामू के शेयर्स की फोरफीचर कर लेंगे, बाद में हमें फोरफिट करना है शामू के शेयर्स को, ठीक है ये बात का पार्ट है, तो पहले हम रामू के शेयर्स को फोरफिट कर लें, 1200 शेयर्स अलॉट किए थे हमने और रामू के शेयर्स को हमने अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट कर लिया,
तो रामू का सिर्फ ये वाला अमाउंट आया और ये वाला अमाउंट आया, ये अमाउंट नहीं आया, ठीक है। और इसमें भी कुछ अमाउंट आया, पार्ट अमाउंट आया, अलॉटमेंट में भी पार्ट अमाउंट आया है, तो पार्ट अमाउंट ही फोरफिट होगा, बाकी फोरफिट नहीं होगा। तो देखो, रामू का अलॉटमेंट का 3600 ड्यू है और जो टोटल अमाउंट आया है वो आया 4800। ये रामू का अमाउंट आया है टोटल हमारे पास, ठीक है। तो रामू का 4800 तो फोरफीचर में चला जाएगा जो हमें मिला है, इंक्लूडिंग कैपिटल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, 1200 रुपये अलॉटमेंट का भी आ गया। और 3600 नहीं आया है, इसको वापस हम क्रेडिट कर देंगे। तो रामू का हम फोरफीचर कर लेते हैं, फोरफीचर ऑफ रामू, रामू शेयर, फोरफीचर ऑफ रामूज शेयर, दैट इज शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रामू को हमने अलॉट किए थे 1200 शेयर्स, 1200 × 7 रुपीज़ ही ड्यू किए थे अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का, तो 1200 × 7 8400 टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट फोरफिट करेंगे 4800 रुपीज़ जो रिसीव हुए हैं, और टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट वापस क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3600। ये हो गया हमारा बीइंग रामू शेयर्स फोरफिटेड, रामू शेयर फोरफिटेड, हमने इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं रामू के शेयर्स के फोरफिचर के बाद, और फर्स्ट कॉल पे शामू ने नहीं दिए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल हमारे पास कितने रुपए की, फर्स्ट कॉल हमारे पास 3 रुपए की है, 3 रुपए मंगाने हमें शेयर होल्डर से। तो फर्स्ट कॉल की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, 3 रुपए मंगाने, देखो कैलकुलेशन देखते हैं फर्स्ट कॉल की। सबसे पहले फर्स्ट कॉल की टोटलिटी कैलकुलेशन देखते हैं, टोटलिटी कैलकुलेशन, हमने टोटल शेयर्स इशू किए 50,000, उसमें से रामू के 1200 शेयर्स को हमने पहले से फोरफिट कर लिया। तो अब हम जो नंबर ऑफ शेयर्स जिन पर हम फर्स्ट कॉल मनी मंगवाएंगे वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 50 − 49, 48800, 48800। और हमें कितना मंगाना है, 48800 शेयर्स पे 3 रुपये मंगाने हैं, तो जस्ट होल्ड, 48800 × 3 रुपीज़ हमें मंगाने हैं 1464 00, दीज आर द नंबर ऑफ अमाउंट दैट इज दैट वी हैव टू कॉल्ड अपॉन फर्स्ट कॉल। अब इसमें शामू का अमाउंट नहीं आया, तो देखो शामू की बात देखते हैं हम लोग। शामू हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर, शामू ने अप्लाई किए थे 700, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड, ठीक है। तो देखो शामू जिस कैटेगरी से है उसने 700 शेयर्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, ही इज अप्लाइड फॉर, तो उसको अलॉट कितने किए वो भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो है 7:4, ठीक है। तो शामू के कैलकुलेशन देखते हैं, शामू यहाँ पे उसने अप्लाई किए थे, उसका जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रेशियो है वो है 7:4, ठीक है। और इसने अप्लाई किए थे 700 शेयर्स, तो 700 को एप्लीकेशन को एप्लीकेशन से डिवाइड करो और अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। तो 400 शेयर्स अलॉट किए हैं शामू को। अब शामू का 400 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये नहीं आया, ठीक है। दिस अमाउंट इज़ ड्यू फर्स्ट कॉल अमाउंट, ओनली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमारा टोटल अमाउंट कितना ड्यू है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 1464 00, तो लेस शामूज अमाउंट, शामू का अमाउंट माइनस कर देते हैं, ये अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, 1200 रुपये माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव हुआ है, −1200 वुड बी हमें रिसीव हुआ है 145 200, दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ये फर्स्ट कॉल भी हमारा, इस तरह से हमने अमाउंट निकाल लिया फर्स्ट कॉल का। अब हम सबसे पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 48800। नंबर ऑफ शेयर्स आर 48800 इंटू 3 रुपीज़ दैट इज 1464 00, दिस वॉज द अमाउंट ड्यू, हमने ये अमाउंट ड्यू किया था 4600, ठीक है। इसमें शामू का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो अमाउंट रिसीव कितना हुआ टोटल, 1452 00, ठीक है। हम इसको रिसीव कर लेते हैं पहले, वी वुड राइट बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इट वुड बी 145200 एंड 145200। ठीक है, ये अमाउंट हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब हमें शामू के शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने शामू को जो शेयर्स इशू किए हैं वो हैं 400। ठीक है, 700 उसने अप्लाई किए थे, सी दिस, उसने 700 अप्लाई किए थे और हमने उसको 400 इशू किए, सिर्फ उस पर फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं आया। ठीक है, बाकी सब पैसा आ चुका है, तो 400 शेयर्स को हम फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू फुल अमाउंट ड्यू है उसका, 10 रुपये पूरे ड्यू हैं, 4000। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर, उसका सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 400 इंटू 7 रुपीज, दैट इज 2800। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 400 इंटू 3 रुपीज नहीं आए उसके, तो 1200 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, बीइंग शेयर्स ऑफ शामू फॉरफिटेड, शेयर्स ऑफ शामू फॉरफिटेड, ये हमने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ठीक है, अब हमने इन शेयर्स को रीइशू किया है। देखो, हमने टोटल जो रीइशू किया है वो है हमारे पास आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है, 1000 शेयर्स वर रीइशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। द रीइशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू, शामू के सारे शेयर्स फॉरफिट, सारे अमाउंट है, मतलब शामू के 400 शेयर्स पूरे इंक्लूडेड है। तो देखो, 1000 शेयर्स को हमने रीइशू किया है, उसमें शामू के 400 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब 600 किसके होंगे, रामू के, रामू के 600 है और शामू के 400 है। शामू का फॉरफीचर अमाउंट कितना है, 2800, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2800 फॉरफीचर अमाउंट। अब रामू की बात करते हैं, रामू का फॉरफीचर अमाउंट है 4800 पर कितने शेयर्स पे, 1200 शेयर्स पे, तो 600 शेयर्स पे कितना होगा वो निकालना हमें। ठीक है, तो 4800 शेयर्स हैं डिवाइडेड बाय 1200 शेयर्स, 48 फॉरफीचर का अमाउंट है इंटू उसके 600 शेयर्स हैं, तो टोटल अमाउंट जो अवेलेबल है हमें वो है 2400 रुपये, आधा हो जाएगा अमाउंट, और ये दोनों मिलाकर टोटल फॉरफीचर पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, दैट इज 8 and then 5200, दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट वी कैन गिव, ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। ठीक है, अब हम इन शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं, सॉरी रीइशू कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 8 पर शेयर पर रीइशू किया 1000 शेयर्स को, तो 1000 इंटू 8 रुपीज, 8 पर शेयर पर रीइशू किया और फुली पेडअप माना है, तो 8000 रुपीज़ आए हमारे पास। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, हमने डिस्काउंट दिया है 2000 रुपीज़ का, तो शेयर फॉरफीचर से ले लेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेडअप माना है हमने, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट इट वुड बी 1000 इंटू 10 रुपीज़, 10000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब 5200 हमारे पास मैक्सिमम डिस्काउंट था, हम इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे, उसमें से हमने 2000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया रीइशू के समय, तो 3200 का हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट, लास्ट अमाउंट वुड बी 3200 रिमेनिंग अमाउंट, तो इट वुड बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3200, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3200, ये अमाउंट हो गया हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, बीइंग शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो गाइज, यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से हमने एक ही कैलकुलेशन को करके इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, इफ़ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।